राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, रावण, सुग्रीव और शूर्पणखा के किरदार निभाने वाले कलाकारों के बारे में लोग काफ़ी कुछ जान चुके हैं, लेकिन रामायण की कहानी लवकुश के बिना अधूरी है। लेकिन उससे पहले, अगर आपको रामायण सीरियल पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दो, क्योंकि इस चैनल पर रामायण की न्यूज़ हर रोज़ आती रहती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि लवकुश का किरदार किसने निभाया था और आज वह कहाँ है और क्या करते हैं। स्वप्निल जोशी यानी कुश का किरदार निभाने वाले एक्टर 42 साल के हो चुके स्वप्निल जोशी ने 9 साल की उम्र में कुश की भूमिका निभाई थी। स्वप्निल आज टीवी के साथ ही मराठी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता हैं। साल 1993 में उन्हें रामानंद सागर के शो श्री कृष्णा में छोटे कृष्ण की भूमिका भी मिली थी। इसके बाद में उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया था। स्वप्निल जोशी ने साल 1997 में मशहूर टीवी शो अमानत में इंदर का किरदार निभाया था। इसके बाद हद कर दी, दिल विल प्यार व्यार, हरे कांच की चूड़ियां, बाबी, देश में निकला होगा चांद और कहता है दिल जैसे कई सुपरहिट हिंदी सीरियलों में काम किया। स्वप्निल ने साल 1997 में उन्होंने नाना पाटेकर की फिल्म गुलाम ए मुस्तफ़ा में सपोर्टिंग रोल निभाया था। दोस्तों, अब बात करते हैं लव यानी मयूरेश क्षेत्र मादे की। लव की भूमिका निभाने वाले मयूरेश क्षेत्र मादे इन दिनों अमेरिका के न्यू जर्सी में रहते हैं। मयूरेश एक्टिंग छोड़ अब किसी प्राइवेट कंपनी के प्रेसिडेंट और सीईओ हैं। वो पहले भी कई प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रबंधक, निर्देशक का पद संभाल चुके हैं। मयूरेश एक कमाल के राइटर भी हैं। वो विदेशी लेखकों के साथ स्पाइट एंड डेवलपमेंट का नामक किताब लिख चुके हैं। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।